आपके घरेलू गैस पर 50 रुपए बढ़ गए, ये नहीं बढ़ना चाहिए। कई दिनों से जिसका संदेह था आज वही बात सही साबित हो गई। 5 राज्यों में चुनावी मौसम की विदाई के साथ ही जनता को महंगाई के झटके लगने शुरू हो गए। पहले अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े दूध कंपनियों ने दाम बढ़ाए और अब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई का डबल झटका लगा है। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, तो वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए। ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी कई महीनों तक चले चुनावी सीजन के बीतने के बाद हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ाई गई। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते दाम बढ़े थे, वहीं हाल ही में क्रूड ऑयल के दाम भी 40% तक बढ़ गए थे, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमत $81 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। हालांकि कीमत में थोड़ी नरमी देखी जा रही थी, लेकिन कल एक बार फिर दाम में उछाल देखा गया। वहीं ईंधन की कीमत बढ़ने की एक वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये में गिरावट मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2008 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत में दिवाली से कोई बदलाव नहीं हुआ। तब केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, क्योंकि कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा था। आखिर आज महंगाई का बम फूट गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 137 दिनों बाद बढ़ोतरी की गई। लगातार बड़ी महंगाई की वजह से लोग भी काफी परेशान दिखे। भाई आज पता चला है कि घरेलू गैस पर 50 रुपए बढ़ गए हैं, ये नहीं बढ़ना चाहिए। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि घर में कैसे काम चलेगा, और पैसे बढ़ाने हैं तो कार गाड़ी मोटरसाइकिल इन पर बढ़ाएं तो कोई बात भी नहीं है, बजट बिगड़ जाएगा घर का, कैसे काम चलेगा, ये तो सोचना चाहिए उनको। आज हमें पता चला है कि गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे हमारा घर का बजट खराब हो जाएगा और हमारी पूरी किचन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। जी कुछ नहीं जी, काम तो देखो जी, बड़े काम तो करना ही करना पड़ेगा, काम तो करना ही है, घर तो बैठेंगे नहीं, डीजल पड़ेगा तो भाड़ा भी पड़ेगा हमारा, ऐसी बात तो नहीं, भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो भाड़े में पैसे बढ़ाएंगे। ये सिस्टम तो रहेगा ही, उधर रूस और यूक्रेन का जो चल रहा है, हमारे यहाँ भी कल इतने बढ़ गए हैं, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है, इन चीजों की डे बाय डे वाहन बढ़ते जा रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए तो इस महंगाई को झेलने के लिए हमें तैयार ही रहना पड़ेगा। इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, पहले ही महंगाई बढ़ी हुई है और इससे और महंगाई बढ़ जाएगी, सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, कहीं भी खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। घरेलू गैस पर 50 रुपए बढ़ गए, ये नहीं बढ़ना चाहिए।